السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أتراما بارا سورة نور آيات نمبر 19 अभी आपके सामने तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहयाई और बुराई को फरोग देने वाले, फहश और गंदे काम को फैलाने वाले, बेहुदा और गंदी चीज़ों को इधर उधर भेजने वाले ऐसे लोगों की सख्त मदद बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि फहश काम, बुरा काम, गंदा काम, बेहयाई वाला अमल रवाज पकड़े, फैले, फिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान के दरमियान, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम माशरे में बेहयाई फैले, जो सिर्फ ये चाहते हैं, जिनकी चाहत ये है, जो बुराई फैलने को पसंद करते हैं, बदकारी को, गंदे कामों को फैलने को, फैलने की चाहत रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के सिलसिले में फरमाता है, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, जिनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया भी अज़ाब है और आखिरत भी दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। यानी इंसान की चाहत क्या क्या है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम नहीं समझ सकते। जब तक हम आपके बहुत करीब नहीं रहेंगे हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल की धड़कन को जानता है। जिनकी दिली चाहत है, जिनकी सोच ये है कि अहले ईमान के दरमियान, मुस्लिम माशरे के दरमियान, मुस्लिम माहौल के दरमियान बुराई बदकारी आम हो, बुराई का चलन फैले, तो ऐसे लोगों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि इनके लिए दुनिया और आखिरत में आदाब दर्दनाक। इस आयत की तफसीर में अहले इल्म ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए दर्दनाक आदाब है जो सिर्फ चाहते हैं, जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि अहले ईमान के बीच में बदकारी, बुराई, बेहयाई आम हो, फैले, नंगापन, उरियानियत, बेहयाई, बेहिजाबी का कल्चर आम हो, जिनकी चाहत ही है। अब सोच सकते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए कितना खतरनाक अज़ाब हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पर गौर करें। अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान के दरमियान बुराई आम हो, मुस्लिम माशरे में बुराई फैले, जिनकी चाहत ही है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी। तो वो लोग जो बुराई करते हैं, बुराई फैलाते हैं, बुराई में दाखिल होते हैं, बुराई का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के हक में कितना खतरनाक अज़ाब हो सकता है, हम इस आयत से समझ सकते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम बुराई को मिटाने वाले बने, बुराई का दरवाजा बंद करने वाले बने, बुराई का खात्मा करने वाले बने। हम ऐसा ना बने
कि हमारा बुराई में हाथ हो, बुराई में हम शामिल हों, चाहे वो किसी भी इलाही से हो, चाहे चाहत के एतबार से हो, चाहे फैलाने के एतबार से हो, चाहे सपोर्ट और ताउन के एतबार से हो, चाहे किसी भी नाहिये से हो, बुराई में शामिल नहीं होना चाहिए। وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان। अल्लाह ताला कहता है नेक और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, नेक और अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट बनो, सहारा बनो, ताउन करो, बुराई में एक दूसरे की मदद ना करो, बुराई और बदकारी में एक दूसरे का सहारा ना करो। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद नेक बने, बुराई को ख़त्म करने वाले बने और बुराई को जड़ से उठाने वाले बने, और किसी भी नाहिये से हम बुराई का सपोर्ट और ताउन ना करें, बुराई हमारा कोई हाथ और कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा पूरा डेटा, आज हमारा पूरा शजरा, आज हमारा पूरा सिस्टम इसी बुराई पर मुनासिब है। हमारी आँख खुलती है, बुराई की शुरुआत होती है, हमारी आँख बंद होती है, बुराई पर बंद होती है। हमारी मोबाइल का बड़ा रोल है, ये नाच गाने, बेहयाई और बदकारी के मनाजिर देखना, बुरे और गंदे काम को फैलाना और अपने स्टेटस पर और अपने सारी चीज़ों पर बदकारी और नंगी तस्वीरें रखना और एक दूसरे को शेयर करना, अपलोड करना, दूसरों को दिखाना और देखना, ये हमारे समाज का और हमारे नौजवानों का ये अलविया है आज के ज़माने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत पर गौर करें कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान के तरह बुराई फैले, आज बुराई फैलाई जा रही है, बुराई फैलाई जा रही, आज नेकी नहीं फैल पा रही है, अच्छाई नहीं फैल पा रही है, लेकिन बुराई बड़े जोर से और बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ा रहे हैं और उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हाथ बढ़ा रहे हैं। हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बुराई को ख़त्म करने वाले बने, बुराई को मिटाने वाले बने, हम नेक काम करें, बुराई में किसी भी तरीके से सपोर्ट और ताउन ना करें, इसलिए कि बुराई और बेहयाई के कल्चर में एक बहुत बड़ा खसारा और नुकसान और अज़ाब इलाही का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को बेहयाई के कल्चर से, बेहिजाबी के कल्चर से, बदकारी के माहौल से हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमारे मुस्लिम नौजवानों और ख्वातीन की हिफाजत फरमाए, और जब तक दुनिया में जिंदा रखे ईमान और तौहीद कायम रखे, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अकुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम ज़ुनूबिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु ग़फूरुर रहीम। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।